हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ये लेटेस्ट अपडेट। आप देख सकते हैं 9 जून 2023 यानी आज की अपडेट है। आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया है और ये किस रिलेटेड है? सहायक नगर नियोजन एग्जाम 2022 से रिलेटेड है। असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम 2022 जो होने जा रही है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इस एग्जाम के अंदर बैठने वाले, इस एग्जाम में भाग लेने वाले सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अब देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल से देखिए। आयोग द्वारा सहायक नगर नियोजन विभाग परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 16/6/2023 को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। आरपीएससी द्वारा ये एग्जाम एक ही जिला मुख्यालय पर आयोजित कराई जा रही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आयोजित कराई जा रही है, सिर्फ अजमेर, ठीक है। और एग्जाम का जो दिन है वो होगा 16 जून को और समय जो रहेगा वो रहेगा 10 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र समय अंतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। तो आपकी जो एग्जाम के प्रवेश पत्र हैं वो आरपीएससी के द्वारा एग्जाम की डेट से 3 दिन पहले जो है वो वेबसाइट पर डाले जाएंगे। तो आप 3 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले जो है वो अपने एसएसओ पोर्टल से और आयोग की वेबसाइट पर अपने एसएसओ पोर्टल से, एसएसओ आईडी से जो है परमिशन लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको एग्जाम से बिल्कुल टाइम पर पहुंचना है, समय पे पहुंचना है। 1 घंटा पहले का जो टाइम है तो आपको 1.5 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना है, क्योंकि कई सेंटर वाले क्या करते हैं, वो इस नियम को दूसरे प्रकार से लागू करते हैं कि जैसे 1 घंटा पहले का नियम है तो वो 1 घंटा पहले आपका अपने सेंटर का जो है मेन गेट बंद कर देते हैं। इसका मतलब 1 घंटा पहले जो प्रवेश हो गए, अंदर जा चुके, वो जागे चले गए, उसके बाद में बाकी को प्रवेश देने से मना कर देते हैं। ऐसी न्यूज़ अखबारों में बहुत बार सुनने को मिलती है। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपको 1 घंटा पहले जो है सेंटर पर जाकर के अपनी उपस्थिति देनी है, ठीक है। वो उनके उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो 1 घंटा तक मतलब प्रवेश देते रहें, गेट खुला रखकर वैसे एंट्री देते रहें, या 1 घंटा पहले गेट बंद कर दें, जितने आगे उनको अंदर ले लें, ये उनका अपना विवेक होता है, ठीक है। तो इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूरा हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद देखिए आगे, अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट है इस पर उपलब्ध एडमिट कार्ड पर क्लिक कर, ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर और जन्म दिनांक से डाउनलोड कर लेवें। आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो आरपीएससी की साइट पर जाकर के एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करके करना है। अगर आपके पास घर पर फैसिलिटी तो घर पर कर सकते हैं, वरना मित्र वाले के पास जाकर के निकलवा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में क्या होना चाहिए इसके लिए, आपके पास में आवेदन पत्र क्रमांक, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसके आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर और दूसरा डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें जो इनके जरिए आप अपना प्रवेश लेटर, परमिशन लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, साथ ही अभ्यर्थी जो है ये जो साइट है पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर के उपस्थित हों, ये बहुत जरूरी चीज़ है। आपको एग्जाम सेंटर पर अपना मूल आधार कार्ड जो है वो रंगीन प्रिंट में लेकर के उपस्थित होना है, ठीक है। फोटोकॉपी साथ में, फोटोकॉपी भी लेके जानी है, मूल आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए। अभी कई एग्जाम वाले जो क्या करते हैं वो आधार कार्ड तो देखते ही देखते हैं, मूल आधार कार्ड जो है रंगीन वो तो देखते ही देखते हैं, उसके साथ में वो आधार कार्ड की फोटो प्रति भी मांगते हैं, आधार कार्ड का
की प्रति भी मांगते हैं, तो अगर एग्जाम सेंटर के टाइम पर आपसे मांगोगे तो फिर भागदौड़ मच जाएगी। एग्जाम सेंटर के नज़दीक अगर कोई फोटोकॉपी की दुकान नहीं होगी तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मूल आधार कार्ड जो है रंगीन प्रिंट का, वो तो साथ में लेके जाना है, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी एक फोटोकॉपी भी साथ में जरूर लेकर के जाना, ये मेरी आपको सलाह है, ठीक है। अगर इन केस आपके पास में मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट में नहीं है, तो आजकल तो वैसे ही मित्र 50 रुपये में प्रिंट आउट दूसरा निकल जाता है, ठीक है रंगीन, लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं है तो आप दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स उसके स्थान पर लेके जा सकते हैं, वो देखिए कौन कौन से लेके जा सकते हैं। मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है। अगर आपके पास में मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट नहीं है तो उस सिचुएशन में आप दूसरी जो आईडी लेके जा सकते हैं उसमें मतदाता पहचान पत्र, वोटर जो आपका आईडी है वो, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लेकर के जा सकते हो ओरिजिनल, प्लस उसके साथ में उसकी फोटोकॉपी जरूर लेकर के जाना, ये मेरी आपको सलाह है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें। फिर ये परीक्षा के अंदर जो COVID-19 है उसके गाइडलाइन का भी आपको पूरी तरह से पालन करना है, मास्क वगैरह साथ में जरूर लेकर के जाना है, ठीक है, वरना फिर बाद में वहाँ दुकानों के ऊपर खरीदना पड़ेगा आपको। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट RPSC सहायक नगर नियोजन जो परीक्षा है उससे रिलेटेड। सभी अभ्यर्थियों को पुनः मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।